खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी गरीबों को अनाज देना सरकार का दायित्व है। और चूंकि झारखंड राज्य का सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है, जहां गरीब मजदूर तबके के लोग ज़्यादा वास करते हैं, राज्य सरकार ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड बनाकर जो बचे हुए गरीब हैं उनको अनाज देने का जो योजना बनाया है, और उस योजना के तहत जो FCI से हम अनाज लेना चाहते हैं, लेकिन FCI राज्य सरकारों को अनाज नहीं दे रही, हमें भी नहीं मिल रहा है। अब नतीजा हो रहा है कि हमको खुले बाजार में महंगे दरों पर अनाज खरीदकर गरीबों को देना पड़ रहा है। हमारे साथ भी ये घटना घटी है, और हमें जानकारी मिली है कई और राज्यों में भी FCI या राज नहीं दे रही, ये काफी चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।